अनुभव बहुत अच्छे। जन्म लिया और तीन वरदान मांगे, हाँ सहगोत्री का विवाह ना हो क्यों ना हो, अपन कहते ना गोत्र बचा के विवाह करने, जैसे पुराण की कथा आया है। तो कल सती का जन्म, दक्ष का जन्म विस्तार के साथ वर्णन करेंगे। अब हम आरती की तरफ चलते हैं, कल की फिर कथा विशेष होगी, बिल्कुल नई चर्चा से आप जुड़ेंगे। आज आपने कुबेर की कथा सुनी, वो तो सी जी कह दे अच्छे जानवर हो, लड़ बे वो कह रही मर जा, तो है शेर से मर जा। अरे राम राम राम, कहने कहने का भगवान शंकर ने कहा देवी तुमने ये क्या किया, तुमने इसको श्राप क्यों दिया। बोली ये मुझे गलत नजर से देख रहा था, कुबेर चरणों में गिर पड़े बोले नहीं। जिनके नाम से पूरा शहर ही बसा है, माता अहिल्या इंदौर, हाँ। ऐसी शिव की भक्तानी, ऐसी शिव की भक्तानी, बड़े प्यारे भोलेनाथ हैं माता अहिल्या के, इतने प्यारे शिव जी। और माता अहिल्या तो पिंडी 24 घंटे हाथ में नहीं रहती थी भोलेनाथ की, और जब पेन लिख बड़ा
कारोबार था, तो जब वो लिखती थी तो नीचे लिखती थी शिव जी के आदेश अनुसार ये काम स्वीकृत हो गया, और जो काम नहीं करना शिव जी के एक समय की बात, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए बनारस में। तो ये जो वैष्णव मुझे श्राप देती हूं, तूने मुझे तिरछी नजर से देखा है, तेरी ये आंख फूट जाए, इसका नाम पड़ गया कि एक आंख फूट गई, समझ गए अपने तका कहती आंख वाले को वो आए कुबेर। अच्छा आदमी हुआ था पता है नहीं, अपन कह दे के भज्जा तो हमारे क्षेत्र के कुबेर हैं, सुभज्जा फूले फिर रहे, जबकि अब कई का है तो उन्हें सब जान गए हमसे नहीं को आओ कैसे कुबेर को मतलब समझ गए का हुआ कनवा काना हो थे कुबेर को मतलब, और आदमी यार हम पैसा वारे या कह रहे हमसे टंकिया भर दे के Oh,
वह